कोई फीस नहीं जाती है सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब

गवर्नमेंट स्कूल और एक होता है प्राइवेट स्कूल बट यहाँ पे भी यूएस में भी सेम सिस्टम है यहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स को कहते हैं पब्लिक स्कूल्स और अपना होता है प्राइवेट स्कूल्स अब इंडिया में क्या होता है बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द या फैमिलीजी ऑफ द पीपल अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं राइट बट यूएस में चीजें थोड़ी अलग है यहाँ पे नाइनटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो पब्लिक स्कूल में जाते हैं और केवल टेन ही होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो नाइनटी पब्लिक स्कूल में जो जाते हैं ना तो यहाँ के पब्लिक स्कूल्स एक्चुअली में काफी अच्छे होते हैं मतलब दे आर ऑलमोस्ट

स्कूल्स होते हैं ना पब्लिक स्कूल्स स्कूल सारे एयर कंडीशन होते हैं एयर कंडीशन होते हैं सब एयर कंडीशन रहेगा और इतना ही नहीं यहाँ पे काफी सारी चीजें फ्री मिलती है जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया बुक स्टेशनरी बैग्स यूनिफॉर्म आपका पेंसिल पेपर कॉपी पेन एवरीथिंग इवन स्कूल बसेस यहाँ पे फ्री मिलती हैं अगर आप स्कूल के आस रहते हैं तो भी आप स्कूल बस का मत को यूज कर सकते हैं इंस्टेड अगर आप पेड्रिस्ट की तरह ना आना चाहिए आप स्कूल बस फिर भी अवेल कर सकते इवन इफ आप स्कूल के पास रहते बट एक चीज है यहाँ पे स्कूल बस घर घर जाके नहीं करती एक

प्ले ग्राउंड मिलेगा काफी बड़ा बहुत सारी फैसिलिटीज होती है इनफैक्ट यहां पे हर स्कूल में नर्स रहती है जो कि स्कूल आवर्स तक प्रॉपर रहेगी ताकि कभी खुदा ना खासा कुछ भी दिक्कत आ गई बच्चे को तो वो उसके लिए प्रॉपर इमरजेंसी या किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए नर्स रहेगी यहां पे जैसे इंडिया में हम लोग के वहां होता है ना गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील तो ऐसे ही मिड डे मील की फैसिलिटी रहती है यहाँ पे और अगर आपके बच्चे वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के लिए भी प्रॉपर वेजिटेरियन फूड रहता है और वो लोग मेक श्योर करते हैं कि जो फूड है ना वो प्रॉपर हाइजीन से तो अच्छे से बनाओ और इतना ही नहीं न्यूट्रिशियस फूड पियो अब मैं अगर बात करूँ प्राइवेट स्कूल्स की ना तो प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे सिर्फ टेन परसेंट स्टूडेंट्स इसलिए जाते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स आर लिटरली वेरी एक्सपेंसिव जो कि जिनके काफ़ी अच्छी सैलरी है या जिनका हाई प्रोफाइल है वही लोग यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं एंड प्राइवेट स्कूल की फीस यहाँ पे सेवेंटीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ईयरली या फिर ट्वेंटी थाउजेंड इस तरीके से स्टेट टू स्टेट वेरी करती है यहाँ पे जोन्स रहते हैं जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप अगर ए लोकेशन में रहते हैं और आप दस किलोमीटर दूर वाले स्कूल में भेजें से हम लोग को इंडिया so mostly many be स्कूल बस अवेल की है और मैं अपने घर के पास के किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है मैंने प्रॉपर एक पाँच छः किलोमीटर सात आठ किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ा तो ऐसा इंडिया में आप जहां भी चाहें जिस लोकेशन में भी चाहें अपने बच्चे को स्कूल्स में भेज सकते हैं राइट बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यहाँ पे आपका जो घर है ना वो एक जोन होगा और उस जोन के आस जो स्कूल होंगे आपके पास एक या दो ही ऑप्शन रहता है स्कूल का अपने बच्चे को भेजने का और आपको उसी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना है आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरा बी लोकेशन जो कि पाँच किलोमीटर दूर है उस लोकेशन में ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं ज़्यादा अच्छा स्कूल है तो हम उसमें भेजना चाहें आप बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा आपको अपने ही जोन में ही बच्चे को भेजना होगा एंड अगर वहाँ पर थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ जाती है उस जोन में या फिर स्टूडेंट्स बढ़ जाते तो कल के दिन गवर्नमेंट वहां पर नया स्कूल भी खोलती है बट यहाँ पर यहां पे ऐसा है आपको अपने ही जोन में अपने बच्चे को स्कूल भेजना होगा ऑल्सो यहाँ पे थर्ड ग्रेड के बाद ना कई बार गवर्नमेंट बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में लैपटॉप और ये सब चीज़ें भी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है ताकि बच्चों की पढ़ाई में हेल्प हो उसमें बच्चे काफी सारे असाइनमेंट्स करते हैं ऐसा नहीं है कि बच्चे कॉपी पेंसिल बुक ये सब यूनि करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट हाँ भी उनको यहां पे स्कूल्स किस तरीके से रहते हैं जैसे आपने इंडिया में देखा होगा एल से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक पूरा एक स्कूल होता है और एक ही जगह बच्चे जाते हैं राइट बट यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे तीन टाइप के स्कूल होते बेस्ड अपॉन बच्चे की एज ग्रुप अब बताऊं तो थर्ड और तीन और चार साल का बच्चा जो होता है वो किंडर में जाता है किन्डर जनरली जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती तो आप जो डे केयर जाते हैं या आपके जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें आप अपने बच्चे को किंडर भेज सकते हैं तीन से चार साल के बच्चे को पांच साल में यहाँ बच्चे एंटर करते हैं पब्लिक स्कूल में ये मिनिमम एज रहती है अब मान लीजिए आपका बच्चा अगर जुलाई में पैदा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है ना सेशन सेप्टेंबर से स्टार्ट होते अगस्त से स्टार्ट होते सॉरी जैसे इंडिया में हम लोग के वहाँ अप्रैल मई से स्टार्ट होते हैं या अगस्त से स्टार्ट होते हैं जून में एंड होते हैं अब मान लीजिए आपका

थर्ड स्कूल यहाँ पे आता है टेंथ इलेवन ट्वेल्थ फोर क्लासेस पढ़ती है तो ये भी सेपरेट स्कूल होगा तो यहाँ पे तीन अलग प्रकार के स्कूल्स होते हैं तो ये स्कूल्स को भी अलग कर दिया ऐसा नहीं कि सारे एज ग्रुप के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं एलिमेंट्री जो फर्स्ट से सिक्स क्लास तक के बच्चे उनको एक एज ग्रुप में बांटा है दैट विल बी अ सेपरेट स्कूल सेवेंथ और एट क्लास के बच्चे को एक एज रूप में बांटता है दैट इज अ सेपरेट स्कूल एंड नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ को एक सेपरेट स्कूल यहाँ पे तीन प्रकार के स्कूल होते हैं ताकि बच्चों का डेवलपमेंट जो है ना अपनी एज के लोगों के साथ हो अपनी एज के बच्चों के साथ वो सराउंड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से डेवलप होंगे इंस्टेड ऑफ बड़ी एज के बच्चों के साथ या बहुत छोटी एज के बच्चों के साथ अगर आपका बच्चा मान लीजिए किसी वजह से स्कूल नहीं आ पा रहा है एक दिन के लिए दो दिन के लिए देन पेरेंट्स शुड मेक श्योर कि वो लोग स्कूल में इंफॉर्म करें आप ऐसे ही बच्चे को एबसेंट नहीं करा सकते तो इस वजह से यह भी मेक श्योर किया जाता है कि कोई बच्चा बंग ना करे या कुछ भी ना हो और अगर आप कंटिन्यूस बहुत सारे दिन के लिए नहीं भेज पा रहे अपने बच्चे को तो वो भी मतलब इट्स नॉट टेकन गुड एक्चुअली अगर आपके पास प्रॉपर एक रीजन ना मेडिकल रीजन या कुछ ऐसे रीजन ना आपको भेजना ही भेजना अपने बच्चे को स्कूल में इतना ही नहीं यहाँ पे ना बच्चों की फिटनेस पे मेंटल हेल्थ पे गेम्स पे ये सब चीज़ों पे भी ना बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे बच्चों को ना बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स कराए जाते हैं प्ले ग्राउंड्स होते हैं बड़े बड़े ताकि आगे चल के बच्चे उसमें भी अगर फ्यूचर बनाना चाहें तो बना सकते हैं और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ना यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी बच्चों को कॉलेजेज में अच्छे से स्कॉलरशिप भी मिलती है एक और चीज़ है कि यहाँ के जो स्कूल्स होते हैं ना उसमें मतलब यहाँ पे कल्चर नहीं है इतना ट्यूशन का हाँ थोड़े बहुत बच्चे कभी कभी जाते हैं ट्यूशन के लिए लेकिन बिल्कुल भी नहीं है इतना मैंने जितना देखा है ऑल्सो यहाँ पे अगर कि कोई बच्चे का कि तो ट्यूशन का और के तो क्या होता था कि बोलते थे सब पेरेंट्स की पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब लेकिन यहां बिल्कुल ऐसा नहीं करिकुलर एक्टिविटीज में ना बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चों को लिटरली एक्स्ट्रा क्स्ट्रा क्लासेस लगती है आफ्टर स्कूल प्राइवेट जो क्लासेस लगती है पेरेंट्स कई बार लगाते हैं मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स पे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं कभी म्यूजिक के लिए कभी स्विमिंग के लिए कभी कुछ कराटे के लिए कभी पेंटिंग के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए डांस के लिए तो यहाँ पे डेफिनेटली और कभी कभी तो एक बच्चा तीन तीन क्लासेस जाता है जैसे स्कूल खत्म हुआ घर आए देन मंडे ट्यूजडे ये वाली क्लास होगी वेन्सडे थर्सडे म्यूजिक क्लास होगी एंड फ्राइडे सैटरडे आपकी स्विमिंग क्लास होगी तो इस तरीके से बहुत होता है यहाँ पे और ये ऐसा नहीं कि बड़ी एज में होता है कई बार बच्चों को ढाई तीन साल में ही ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस में डाल देते पेरेंट्स ताकि बच्चे अच्छे से अपने आप को एक्सपोज करें अपने आप को समझें अपने आप को एक्सप्लोर करें कि हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है तो आई होप आप लोगों को थोड़ी जानकारी तो मिली होगी हमारे इस वीडियो के द्वारा अगर वीडियो पसंद आई ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को ढेर सारा प्यार दें लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले वीडियो तक तब तक के लिए बाय बाय